आज हम लोग देखने वाले हैं राउंड बेल्ट ब्लाउज की कटिंग, जिसमें पीछे पल्ला तैयार है क्योंकि हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पीछे पल्ला एज इट इज कटेगा, जैसे कि आप किसी भी ब्लाउज में काटते हैं। मेजरमेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेजरमेंट का भी यहाँ पर कोई विशेष तौर पर महत्व नहीं है क्योंकि हम लोग सिर्फ बेसिक्स को सीखेंगे। तो ये मेजरमेंट पर कटिंग हो रही है, स्टिच भी करके देखेंगे और कैसा लुक आता है फ्रंट का वो भी देखेंगे, ठीक है। तो ये जैसे पीछे का पल्ला है ना, हमने पीछे पल्ले को रख के पूरा पूरा कॉपी करके भी निशान निकाल लिया है। फ्रंट बस का यहाँ पे खेल समझना है कि ये होता कैसे, तो इसको भी साइड कर लेते हैं, एज इट इज़ कॉपी है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम फ्रंट नेक को तैयार करेंगे। ये कपड़ा है जिसपे हमें तैयार करना है, बाद में इसको भी देखेंगे। तो ये आपका सबसे पहले फ्रंट नेक, आर्म होल शेप और डॉट के पॉइंट्स, ये जो हैं हम लोग क्लियर करते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें गले की, चौड़ाई हमने ले रखा है, गहराई की अगर बात करते हैं 6.5-7, जो भी आप रखना चाहते हो वो रख लेना। और नीचे फैलाओ 2.5-2.5 इंच तक के, ऊपर जितना उतना ही नीचे रख के भी बना सकते हैं। अब यहाँ से इस तरह से मिला के यहाँ पर जो भी आपको शेप देना है, जैसे मान लो आपको गोल शेप देना है या और कोई शेप देना है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन रहते हैं गले का, है ना। तो जैसे मान लो पान गला शेप देना है तो पान गला यहाँ पर बना सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो इस तरह से हल्का सा ये शेप बाहर निकाल के कुछ इस टाइप से ये पान गले का शेप यहाँ पे हम ड्रॉ कर सकते हैं, और सर्कल दे सकते हैं और राउंड दे सकते हैं। ये देखो ऐसे, ये हो गया गले का काम। अब आ जाते हैं आर्म होल पे। तो आर्म होल फ्रंट के हिसाब से सेट करने के लिए इसको 0.5 इंच हम गहरा करते हैं, तो ये कुछ इस टाइप से यहाँ से ऐसे इसको शेप दे देंगे। अब इसके बाद शोल्डर से जो डॉट का पॉइंट आएगा आपका, उस निशान का महत्व होगा। तो यहाँ पर जैसे मान लो डॉट पॉइंट आपका बैठ रहा है कितने पे, 10.5 पे, है ना। तो 11 पे निशान लगाओगे, 10 पे बैठ रहा है तो 10.5 पे निशान लगाओ। तो जितने पे बैठ रहा है उसके हिसाब से 0.5 इंच मार्जिन लेके ये पॉइंट, और डॉट्स की जो दूरी होती है, तो डॉट्स की दूरी की अगर बात करें तो इसमें हम ले लेंगे अप्रॉक्स 4 इंच 4.25 इंच। ये देखो ऐसे, तो ये आपका फर्स्ट डॉट, मतलब मेन जो बस्ट पॉइंट होता है वो आपको मिलेगा। उसके बाद स्केल लेकर के इस निशान को सीधा नीचे ले आएंगे। अब ये ध्यान रखना कि ये एक राउंड बेल्ट ब्लाउज है। उससे पहले मैं आप लोग को एक चीज़ और बता रहा हूँ, जैसे ये हमने क्या दिया, डॉट दिया, डॉट के लिए मार्जिन भी देंगे, सारी चीज़ें देंगे, लेकिन यहाँ पर एक डॉट हम और क्रिएट करेंगे छोटा सा, वो डॉट आपका आर्म होल की साइड में जाएगा। तो यहाँ पर आप ज़्यादा नहीं, 0.5 इंची डॉट यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो, ये ऐसे, ये देखो ये इतना। अब ये जो डॉट हमने लिया उसका मार्जिन उस साइड में देंगे, तो वो कैसे देंगे वो बाद में बात करेंगे। यहाँ पे हम पॉइंट पे आ गए, जो डॉट का पॉइंट है नीचे वाला, है ना, मेन डॉट पॉइंट। अब यहाँ से हम आ जाते हैं डायरेक्ट बेल्ट के निशान पे, फिर आगे चीज़ों को समझेंगे। तो बेल्ट यहाँ पर, क्योंकि ये राउंड बेल्ट है, मनचाहा बेल्ट है, जैसा आपको लेना वैसा ले सकते हो। 2.5 इंच चौड़ा अगर आपको चाहिए 2.5 इंच ले लो, 2.75 चाहिए 2.75 ले लो, 3 चाहिए 3 ले लो, आपके हिसाब से वो डिपेंड करता है। मान लो यहाँ पर हम 2.75 इंच का लेते हैं, ज़्यादा चौड़ा नहीं लेते। ये देखो ऐसे। अब इस निशान को पहले तो इस तरह से मिला लेना, ये देखो। अब राउंड बेल्ट का मतलब क्या है ये मैं आप लोग को समझा देता हूँ। राउंड बेल्ट का मतलब है उस साइड से राउंड, है ना, इस साइड से राउंड, ना कि इधर से। इधर से तो आपका हर बेल्ट राउंड रहता है, 0.5 इंच का शेप तो हम देते ही देते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, इस शेप को भी जो हम 0.5 इंच देते थे उसको घुमा के 1.5 इंच कर देंगे, ये ऐसे, और इस निशान को इस तरह से मिला देंगे, ठीक है। ये देखो, और इधर वाले शेप में इधर हम ज़्यादा राउंड देंगे। कितना राउंड देंगे, जैसे यहाँ पर आप इसको देख लो, इसका डिस्टेंस कितना है, 6.5 आ रहा है, तो इसको सीधा सीधा आप हाफ में बांट सकते हो, 3.25 कर दो। ये देखो ऐसे, जितना आपका डिस्टेंस आ रहा है उसका हाफ करके इसको सीधा राउंड कर देना। तो ये आप ऊपर से लेके आना राउंड हल्का सा, क्योंकि आपको फिटिंग लाइन पे सेंटर चाहिए, वहाँ पर नहीं चाहिए, है ना। तो ये छोटी छोटी जो बातें हैं उसको ध्यान रखना। ये आपका मार्जिन का स्पेस है ब्लाउज का, हालांकि अभी फ्रंट पल्ले का और मार्जिन हम ऐड करेंगे, वो अलग टॉपिक है। ये हो गया, इसके बाद ये जो डॉट है आप इसको नीचे लेके आओगे, तो यहाँ पर हम कितना नीचे लेके आएंगे इसको, 1 इंच बस। ये देखिए, ये इस प्रकार से 1 इंच नीचे लेके आओ। उसके बाद जैसे हम जो पॉइंट्स देखते हैं डॉट वगैरह लगाने का, जो प्रोसेस देखते हैं वो सेम रहेगा, इसमें कोई अंतर नहीं है। जैसे मान लो आपको 2.5 इंची डॉट लगाना है, चूँकि नीचे बेल्ट भी है, तो मान लो 2.5 इंची डॉट लगाना है तो 1.75 इंच दोनों तरफ निशान लोगे ऐसे, और 3 इंची लगाना है तो 1.5 इंच दोनों तरफ निशान लोगे और मिला दोगे, ठीक है, ये ऐसे। अब यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना, ये 2.5 इंच
टोटल स्पेस खाया ये डॉट है ना, और ये वाला पौन इंच ऊपर वाला। तो इस ढाई इंच को कवर कैसे करेंगे उसको समझना। ये आपका राउंड अब यहाँ जाएगा सीधा ऐसे, और ये वाला राउंड इधर से ऐसे घूम जाएगा। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि जैसे आपको स्पेस चाहिए मार्जिन का, ढाई इंच यहाँ से कपड़ा चला जाएगा तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो हमको डेढ़ इंच बस चाहिए, क्योंकि पीछे पल्ले का एक इंच तो ऑलरेडी ऐड रहता है, ये हमने बहुत बार बताया। अब डेढ़ इंच चाहिए, तो वो डेढ़ इंच हम बांट बांट के भी ले सकते हैं, सिंगल साइड भी ले सकते हैं, क्योंकि डेढ़ इंच बहुत ज़्यादा नहीं होता। इधर हम आधा इंच ले सकते हैं ऐसे। अब बचा हुआ एक इंच उस साइड में ले लेंगे, आधा इंच इधर ले लिया तो बचा हुआ एक इंच इस साइड में लेंगे। ये देखो ऐसे, ये इस प्रकार से। अब इस निशान को यहाँ मिला देंगे, ठीक है। अब ये चूंकि राउंड पैटर्न है तो इसमें थोड़ा सा आपको समझने में ये दिक्कत आ रहा होगा कि इसको मिलाएंगे तो हम तो डॉट को अक्सर यहाँ पे मार्जिन लेते थे नीचे वाले लाइन पे, लेकिन अभी वो तो कट के बाहर हो जाएगा, आएगा तो यहाँ पे है ना, तो ये मार्जिन आपको यही लेना है। इधर ये जो डॉट लग रहा है उसके लिए भी आपको मार्जिन अलग से लेना पड़ेगा पौन इंच का। तो ये पौन इंच एक इंच आप यहाँ पर अतिरिक्त मार्जिन ले सकते हो, बाद में छांट भी सकते हैं अगर थोड़ा बहुत बड़ा होगा तो। स्केल से इन निशानों को इस तरह से मिला देंगे। अब जैसे ही आप इन निशानों को मिलाएंगे तो आपका शेप चेंज होगा, ये वाला जो आपका लाइन है वो इस तरह से घूम के आएगा फिर हल्का सा। ये चीज़ ध्यान देना मार्जिन ऐड करने के लिए, या फिर आप क्या कर सकते हो, जो राउंड है उसको लास्ट में घुमा सकते हो, शुरू से घुमाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जैसे हमने आपको समझाने के लिए शुरू से घुमाया, तो आप उसको शुरू से ना घुमा के पहले मार्जिन वगैरह का प्रोसेस कंप्लीट कर लेना, उसके बाद आप घुमाना। तो अभी ये है पूरा रेडी फ्रंट पोर्शन डॉट वाला। इसका मेजरमेंट आप नोट करोगे किसका, बेल्ट का कितना है, इधर से आपको दिख रहा है लगभग 4.5, ठीक है, ये नोट कर लिए 4.5 इंच। अब इधर से 4.5 है तो इधर से कितना है इसको भी नाप लेते हैं। ये अप्रॉक्स आ रहा है आपका 1.25 है, ये भी लिख लेते हैं। अब इधर से जो यहाँ पर सेंटर लाइन है ये आ रहा है 2.75, 2.75 ही हमने लिया था, ये 2.75। अब एक लाइन और नापना है वो ये है, तो इसमें 4 मेजरमेंट्स आपके बेल्ट के रहेंगे, ठीक है। अब इसको हम फर्मोग्राफ बनाने के लिए नहीं देखेंगे क्योंकि समय लगेगा, हम डायरेक्ट इसको कपड़े पर काट देंगे। इसको काट के निकालते हैं पहले ऊपर वाले पीस को, बेल्ट को तो डायरेक्ट कपड़े पर काट देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी इस वीडियो की कि सर राउंड बेल्ट वाला बताइए, राउंड बेल्ट वाला बताइए। तो मैंने सोचा चलो बताते हैं। ये इस प्रकार से जो है हम इसको फ्रंट के आर्म होल के हिसाब से काटेंगे। कपड़े पर काटने के बाद ये जो पॉइंट्स हैं इन सबको निशान लगा लेना, जैसे डॉट के आपके पॉइंट्स हैं, फिटिंग लाइन है, ये सारी चीज़ों को आप थोड़ा सा ध्यान रख के निशान लगा लो। अब जैसे मैंने कहा था कि बेल्ट को हम डायरेक्ट कपड़े पर काटेंगे, तो वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि बेल्ट को कैसे काटेंगे, है ना, नहीं तो फिर आप बोलोगे सर बेल्ट नहीं बताए। तो यहाँ पर देखते हैं, ये हम एक फैब्रिक लेते हैं इस तरह से, यहाँ पर हमारा बेल्ट निकल जाएगा। देखो यहाँ पे सबसे पहले हम एक सीधा निशान ले लेंगे, उसके बाद 0.25 का मार्जिन जो कॉमन है सभी बेल्ट्स पे हम लेते हैं, है ना, योग पट्टी पे 0.25 का मार्जिन कॉमन रहता है। अब ये तीन निशान जो हमने नोट कर रखे हैं, देखो कौन कौन से निशान है, एक है 4.5। सबसे पहले तो ये 2.75 वाली लाइन ये आपको लेनी है, और उसके बाद ये इधर से एक निशान आपका 4.5, एक निशान आपका 1.25 और एक 2.75 का, और इधर से जो लाइन आएगी वो 10 इंच की, तो ये 10 इंच सबसे पहले नाप लेना ऐसे, 10 इंच नाप के इधर भी सीधा एक लकीर ले लेंगे, एक तरफ 4.5 एक तरफ 1.25, ये ऐसे, ठीक है। अब सेंटर पे आप क्या लोगे, सेंटर पे लेंगे 2.75, यहाँ पर भी 2.75, ये देखो निशानों को मिला लेंगे ऐसे। पहले तो इसको सीधा मिला लेना और उसके बाद राउंड में मिलाना है।
ये यहाँ से ऐसे मिलेगा ऊपर जाके, और ये वाला लाइन इधर आके ऐसे मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका बेल्ट का शेप बनेगा, ये है राउंड बेल्ट, इसी को आपको काटना है ना। तो अभी ये देखते हैं कि इसको स्टिच कैसे करना है। तो देखो सिलाई में आपको यहाँ पर ज़्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, एकदम सिंपल से कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर आपको डॉट लगाना है, दोनों डॉट्स को लगा लेंगे, सिंपल डॉट, जैसे कि आप सिंगल डॉट ब्लाउज, दो डॉट के ब्लाउज, तीन डॉट के ब्लाउज में लगाते हैं, वैसे ही यहाँ पर लगाना है। दो डॉट है, दोनों डॉट को लगा लेना है, ठीक है। अब देखो डॉट्स जैसे ही आप लगाएंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, बेल्ट को ज्वाइंट करना है ना। तो बेल्ट का जो राउंड है वो कौन सा राउंड किधर फिट होगा ये आपको चेक करना जरूरी है। जैसे हमने कटिंग किया था तो इधर 6.5 वाला इस साइड रखे थे, है ना, और 4.5 जो भी हमने लिया था वो इस साइड रखे थे। तो ये आप विशेष तौर पर ध्यान देना, अगर एक उल्टा फिट करोगे तो दोनों उल्टा फिट होगा, इसलिए इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखोगे। अब इसको उल्टा आप इस तरह से एक सिंगल सिलाई से स्टिच करते हैं, फिर आप लोग को मैं दिखाता हूँ। तो ये देखिए कुछ इस टाइप से आपको फिट करना है, और उसके बाद इसको पलटा के हल्का सा आप इसमें क्रीज लगाओगे, है ना, प्रेस भी लगा सकते हैं लेकिन क्रीज से काम चल जाएगा। तो ये देखिए दोनों साइड जब आप बना लेंगे कुछ इस प्रकार से लुक आएगा। जब आप इसमें हुकाई पट्टी लगाएंगे, गले का पाइपिंग वगैरह लगाएंगे तो और बहुत ही बेहतरीन दिखेगा, खूबसूरत ब्लाउज डिज़ाइन है। अगर इसमें हम बेल्ट के शेप में ही अगर लेस वगैरह ट्राई करें तो और भी अच्छा लगेगा, जैसे कि आप लोगों ने पहले भी देखा होगा। तो कुछ इस टाइप का था ये डिज़ाइन, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इसका डिमांड किया तो मैंने सोचा कि चलो इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाते हैं। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये आप लोग जरूर से कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मैं आज आपसे फिर मुलाकात करता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।